हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंकज राय। आज के वीडियो का विषय है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को जानने से पहले हम जानेंगे कि अव्ययी भाव का क्या अर्थ है। अव्ययी भाव का अर्थ होता है जिसमें अव्यय का भाव छिपा हो। अब जानना यह जरूरी है कि अव्यय क्या होता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वे परिवर्तनशील नहीं होते, वे परिवर्तित नहीं होते, उनके रूप में बदलाव उत्पन्न नहीं होता, वे अव्यय होते हैं। अर्थात न, व्यय यानी परिवर्तित होने वाले या व्यय होने वाले, खर्च होने वाले। तो मूल शब्द है व्यय, अ उसमें उपसर्ग लगा है। अव्यय का अर्थ हो गया न परिवर्तित होने वाला शब्द। तो ऐसा शब्द जो अविकारी हो, जिसमें विकार उत्पन्न न हो, और इसी अविकारी का भाव रखने वाला समास ही अव्ययी भाव कहलाता है। अब हम जानेंगे कि अव्ययी भाव समास का क्या अर्थ है। वह समास जिसका पहला पद, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि समास में कम से कम दो पद होने चाहिए, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर के एक नवीन पद बनाने की समस्त क्रिया को ही हम समास कहते हैं। तो इस समास में भी कम से कम दो पद होंगे। तो वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो, अर्थात अविकारी शब्द हो, और एवं उसके संयोग से, अर्थात उसके योग से समस्त पद यानी पूरा पद भी अव्यय बन जाए, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, जिसमें अव्यय का भाव छिपा। अब हम इसके समस्त पद और विग्रह को देखेंगे। यहां मैंने लिखा है आजन। आजन में अगर हम ध्यान से देखें तो ये आ जो पूर्व पद है वह अव्यय है, जो परिवर्तनशील नहीं है, जन्म मूल शब्द है। आजन्म, ये दोनों पदों के योग से, आ और जन्म, इन दोनों पदों के योग से समस्त पद बना आजन्म। और आजन्म में जो ये पहला पद है, पूर्व पद, यह अव्यय है, और इसके संयोग से ये जो समस्त पद बना यह भी अव्यय बन गया। जो अव्ययी भाव की विशेष विशेषता होती है कि इसके पूर्व पद के अव्यय होने पर इसका समस्त पद भी अपने आप अव्यय बन जाता है। इस आजन्म शब्द का, आजन्म जो समस्त पद है, इसका विग्रह है जन्म से लेकर। दूसरा समस्त पद अनजाने, यहां भी अन जो लगा है वह अव्यय है। इसी तरह से घर घर, घर घर जो ये लिखा गया है एक साथ लिख करके और इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग कर देने से, इस प्रकार जब हम एक ही शब्द को रिपीट करते हैं या दोहराते हैं तो वहां प्रत्येक का भाव छिपा होता है। प्रत्येक घर, प्रत्येक शब्द खुद एक अव्यय शब्द है या अविकारी शब्द है। निसंदेह, इसमें भी निह जो लगा है वह अव्यय है। निसंदेह समस्त पद भी अव्यय बन गया और इसका विग्रह हो गया संदेह रहित। अगला समस्त पद है प्रतिदिन। प्रतिदिन भी, जैसे मैंने यहां घर घर बोला वैसे ही प्रतिदिन है। प्रतिदिन का जो विग्रह हुआ वह हो गया दिन दिन। यहां प्रति जो पहला पूर्व पद लगा है वह अव्यय है। प्रत्यक्ष, यहां भी पूर्व पद जो प्रति है वह अव्यय है। प्रत्यक्ष का विग्रह होगा आंखों के सामने। बेखटके, यहां पर
जो बे लगा है वह उपसर्ग है और उपसर्ग होने के साथ साथ यह अव्यय भी है। बे खटके इन दोनों पदों के योग से जो समस्त पद बना बे खटके वह खुद एक अव्यय बन गया। इसका विग्रह होगा बिना खटके के। यथामति, यथा एक अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है, और जब यह मति मूल शब्द के साथ लगा तो यह पूर्व पद अव्यय होने के कारण दूसरे या हम कहें कि समस्त पद को अव्यय बना दिया। तो यह पूरा पद अव्यय बन गया, इसका विग्रह हो गया मति के अनुसार। इस प्रकार हमने देखा कि अव्ययी भाव समास के समस्त पद में जो पूर्व पद आए हैं वे पूर्व पद जो हैं वो वे अव्यय हैं और इनके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जा रहा है। मैं समझता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों मित्रों संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।